दोस्तों IAS देश का सर्वोच्च प्रशासनिक सिविल सेवा है और एक बार उसमें सिलेक्शन के बाद मान सम्मान, रुतबा, पैसा और वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जो एक आदमी का सपना होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं देश के इकलौते ऐसे IAS अधिकारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दाहिने पैर से विकलांग होने के बावजूद भी IAS अधिकारी बनकर संतुष्ट नहीं हुए। सुहास LY विश्व के दूसरे नंबर के पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। जो बैडमिंटन कोर्ट में उतरते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। सुहास LY का जन्म 2 जुलाई 1983 को कर्नाटका के एक छोटे शहर हसान में हुआ था। जन्म से ही पैरों से विकलांग सुहास को स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन वो IAS नहीं बनना चाहते थे। पैरों से पूरी तरह फिट नहीं होने की वजह से उन्हें समाज के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन उन्हें अपने परिवार का भरपूर सहयोग मिला। असल में उनके पिता हमेशा चट्टान की तरह उनकी मुश्किलों के सामने खड़े रहते थे और कभी भी सुहास का हौसला टूटने नहीं दिया। पिता की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, इसलिए सुहास की पढ़ाई शहर शहर घूमकर होती रही। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरी की और सबकी तरह सुहास ने बेंगलोर के एक कंपनी में नौकरी कर ली। लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें लगने लगा कि शायद कुछ कमी रह गई है और मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरा उद्देश्य था। वह देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। 2005 में उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, लेकिन उसी दौरान उनके पिता की डेथ हो गई। सुहास उनके बहुत करीब थे और बुरी तरह से टूट गए, लेकिन शायद यहीं से उनके अंदर एक आग भी लगी कुछ कर गुजरने की। क्योंकि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, जब दिमाग स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। सुहास ने जीतोड़ मेहनत की और 2007 में UP कैडर से IAS ऑफिसर बन गए। UPSC की परीक्षा पास करने के बाद उनकी पोस्टिंग आगरा में हुई और फिर वो UP के जौनपुर, सोनभद्र, हाथरस, महाराजगंज, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बने। सुहास एक अधिकारी बन चुके थे और तेज तर्रार अधिकारी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वो इतने में ही कहाँ रुकने वाले थे। असल में जिस गेम को वो शौक से खेलते थे धीरे धीरे उनकी जरूरत बन गई। जब भी टाइम मिलता वो बैडमिंटन खेलने लगते और कुछ कॉम्पिटिशन्स में मेडल पाने के बाद उनको और प्रोत्साहन मिला और वो प्रोफेशनल तरीके से खेलने लगे। सन 2016 में वो अपने पहले इंटरनेशनल मैच में चाइना से हार गए, लेकिन उनका कहना है कि उसी मैच ने उनको जीत का फॉर्मूला दे दिया। उन्हें पता चल गया कि पूरा खेल मेंटल प्रेशर का होता है, जो इसे पार कर लेता है वो जीत जाता है। सन 2016 में ही उन्हें उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यश भारती से नवाजा गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। COVID-19 के दौरान नोएडा के जिलाधिकारी के रूप में उनके काम की बहुत तारीफ हुई और नोएडा के सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल में ला दिया था। प्रशासनिक कार्यों के अलावा वह खेल में भी देश का नाम रोशन करते रहे और सन 2017 में BWF तुर्किश ओपन के पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम करने के साथ ही 2018 में नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप वाराणसी में गोल्ड मेडल और एशियन पैरा गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में ब्रांज मेडल हासिल किए। सुहास को टोक्यो पैरालंपिक में भी अपने देश की तरफ से खेलने का मौका मिला है और हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।